मैं हॉल नंबर 14 के ऐसे आपको स्टॉल पर ले गया आया हूँ जहाँ पर कल मोदी जी भी आए थे। ये देखिए, अलविदा प्लास्टिक, इकोलास्टिक से बदले दुनिया को। जो प्लास्टिक है वो दुनिया के लिए जहर है, कई हज़ार तक साल तक वो डिजोल्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं इकोलास्टिक से। ये देखिए ज़रा, तिरंगा झंडा है, ये भी प्लास्टिक का नहीं है, ये हमारे देश की शान है। और बाकी चीज़ें हम सर से पूछेंगे। सर बताइए ज़रा इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत है, मैं इकोलास्टिक का डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी 2020 स्टार्टअप कंपनी है। ये स्टार्टअप कंपनी के बाद में हम, हमारा भगवान की कृपा और DRDO के कोलाबरेशन में हम यंग एज का टाइम में इन ब्रांडिंग, इन कोलाबरेशन, इन पार्टनरशिप, इन विजिबिलिटी, इन रिसर्च, वी आर इन नंबर वन इन कंपनी। एंड टुडे वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, इन रिसर्च आप पकड़ के चले तो हमारा जो कंप्लीट प्रोडक्ट इधर दिखता है, गार्बेज बैग है, मल्च फिल्म है, ग्रो बैग्स है, कैरी बैग्स है, नोटबुक्स है, तिरंगा झंडा है। हम इसका मेन मकसद है कि प्लास्टिक, आपको बताया कितना हानिकार चीज़ होता है, एंड प्लास्टिक दुनिया को ख़राब करता है और कैंसर फैलाता है। कोरोना जो आया वो नथिंग है। आप फ्यूचर में देखते हैं, हर चीज़ हम दुनिया में प्लास्टिक प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक अगर रोके नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन आपको देखता भी नहीं, दिखेगा भी नहीं और सोचने का टाइम भी नहीं रहेगा। तो हम इसी के इंसार है, जो अपने कन एक्सेस अवेलेबल है क्रॉप, वो कॉर्न स्टार्च है। जैसा कॉर्न स्टार्च, इफ यू गो बैक एंड सी, चार इंडेक्स में हम समुंदर में फेंक दिए, तो इसका कोई नुकसान नहीं। हम ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा दुनिया में है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कॉर्न स्टार्च से हम पूरा प्रोडक्ट जो कॉर्न स्टार्च से बना रहा है, एक कॉर्न स्टार्च या मक्का से मक्का का पाउडर, मक्का का दूध, उसको पॉलीलैटिक एसिड बोलते हैं, पॉलीलैटिक एसिड हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी मिशन लाइफ मोदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो रिसेंटली एनवायरनमेंट US में हम लॉन्च किया है मोदी जी ने, उसमें आप मोदी जी का मेनली है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। उसके कारण, उसी के साथ इम्पॉर्टेंट वो वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, पानी कम यूज़ करो, बिजली कम यूज़ करो, झाड़ कम काटो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मना यूज़ मत करिए बोल के, और पेपर भी कम यूज़ करो। पेपर बनाना है तो भी आपको झाड़ काटना पड़ता है, पानी यूज़ करना पड़ता है। अगर एक स्कूल का बुक बनाना है, पेपर भी बनाना है, आपको कितना झाड़ काटना पड़ता है, प्रोसेस करने के लिए कितना पानी यूज़ करना पड़ता है, कितना बिजली यूज़ करना पड़ता है। ये प्रोडक्ट है मक्का का दूध से बना हुआ है कवर, जो आप बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, वो पहले न्यूज़पेपर लगाते थे, कैलेंडर पेपर लगाते थे, फिर बाद में फ्यूचर में उसको हम वाटरप्रूफ पेपर बनाते। जो वाटरप्रूफ पेपर जो यूज़ करते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं, वो इतना हानिकारक चीज़ है, वो प्लास्टिक से भी बहुत डेंजर है। जब ज़मीन में जाता है वो डिग्रेड होने के लिए हज़ारों नहीं लाखों साल लगता है। लगने के टाइम पे जो रेसिड्यू जरूर छोड़ता है वो बहुत हानिकारक चीज़ होता है। वो माइक्रोप्लास्टिक हवा में जाता है, ज़मीन में जाता है, पेड़ पौधों अब्जॉर्व करता है, फिर वो कानाम का आता है। उसी के कारण हम लोग जो ये प्रोडक्ट बनाए, ये बिना प्लास्टिक का है, एक मक्का का मिल्क से बना है, इसको पॉलीलैटिक एसिड से, कॉर्न स्टार्च से बना है। तो बचपन से ही बच्चों को अपन प्लास्टिक का हानिकारी के लिए चीज़ अपन बता सकते हैं, उसका माइंड में प्लास्टिक क्या चीज़ हो जाता है, ये क्या नेचर से क्या हो सकता है। हम कभी भी जो धरती से आता है वो वापस धरती को देना है, सेम वही हिसाब से देना है, तो आपको हेल्थ बनेगा। बिल्कुल। सो विच कम्स फ्रॉम द अर्थ विच हैज़ टू गो बैक टू द अर्थ विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो भगवान उसी के लिए दिया है, बट हम उसको खराब करते करते गए। बट अभी एजुकेशन, मोदी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च पे इतना सपोर्ट कर रहे, इतना स्टार्टअप इंक्यूबेशन आया, हर स्टार्टअप को MSME से लोन मिल रहा है, DPIT से लोन मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है। इसी के कारण हमारा रिसर्च स्ट्रेंथ मोदी सरकार का बहुत हम सहायता लिए, हम उसको रियली हम बहुत थैंकफुल टू है। एंड हमारा जो रिसर्च है ये इंडिया में छोड़ो, दुनिया में भी काम पर भी नहीं है, वर्ल्ड में रिसर्च गूगल करके देख सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में इतना चीज़ आपको कागज़ में, नहीं तो फ्लैग्स में, नहीं तो कपड़े में, आप कपड़ा यूज़ करते तो कोई दिक्कत नहीं, बट कपड़ा ज़्यादा झंडा में यूज़ करता तो आप पहनने के लिए क्या यूज़ करते, तो हम एक्सपोर्ट करना पड़ता है, अपना इम्पोर्ट करना पड़ता तो हमारा पैसा उधर जाएगा। तो यूज़ करो मत। हमारे कन कॉर्न स्टार से अपना किसान बनाता है इतना कॉर्न, वो कौन से ये चीज़ तिरंगा बनाए, ये तिरंगा का जगह BJP का झंडा बनाओ, कांग्रेस का झंडा बनाओ, कुछ भी चीज़ मर्जी बनाओ, जब यूज़ करके हम फेंक देता है
तो डेफिनेटली अर्थ में चले जाता है। yes, sir. इसको जनरली क्या होता है, फ्लैग प्लास्टिक से बन के हम 26 जनवरी अगस्त 15 को रोड पे रस्सी से बांधते हैं, उसके बाद में लोग क्या करते हैं, उसको रोड पे फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं। यू नो द पैक फ्लैग का जितना प्रोटोकॉल होता है वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, कोई मानता नहीं, एंड सेंटिमेंटली इमोशनली आप अटैच्ड है फ्लैग से। yes, sir, बिल्कुल। बट ये जमीन में डालता है तो जमीन खुद ले लेता है, उसको और मैन्यूर बन जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इवन ग्रो बैग, अभी हमारा जो ये ग्रो बैग है, ये हम जाट, ये ग्रो बैग भी एक अपन कॉर्न स्टार से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जनरली प्लास्टिक में क्या, सीड और सीड सैपलिंग करते हैं, उसको जब निकाल के फिर जाड़ लगाने का टाइम लगता है, खर्चा लगता है, लगाने का खर्चा, निकालने का खर्चा। जब निकालने के बाद जो प्लास्टिक का और रेगुलरली आता है वो फिर जमीन में वापस रिसाइकलिंग पर नहीं जा सकता, क्यों, मट्टी लग जाता है ना, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। बट इसको जरूरत नहीं है निकालने का, आप जाड़ दीजिए, ये 80 से 180 के दिन के अंदर ये मैन्यूर बन जाके जाड़ का अच्छा तंदुरुस्त खाना बन जाता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक तरह से खाद बन जाती है। हाँ, एग्जैक्टली, बेस्ट इनिशिएटिव, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कमाल है सर, कमाल। तो इसी के लिए अमेरिकन ये काफी ब्रैक से है सर, फूड पाउचेस, फ्रूट वेजिटेबल, ये सर शर्ट वगैरह सब कुछ, सब कुछ है शर्ट पैकिंग के लिए। अग्रीमल्च फिल्म आपको जानते हैं, एग्रीकल्चर लोग क्या करते हैं, देखिए जरा ये देखिए, ये वीड ज्यादा पैदा होता है तो जाड़ जनरली क्या होता है, हम जाड़ फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल प्लांट लगाते हैं, बट पाइनएप्पल से ज्यादा क्या होता है, अगले वाला छोटा छोटा क्या बोलते हैं, अननेसेसरी जाड़ पैदा हो जाता है, वो ज्यादा पानी खरपतवार हो जाता है, तो उसका पानी ज्यादा पी लेता है, मॉइस्चर कम कर देता है, तो हेल्दी प्लांट नहीं बनता, हेल्दी फ्रूट नहीं आता। ये मल्च फिल्म जनरली क्या होता है, जनरली प्लास्टिक डालता है, सस्ते में आता है बोल के, बट वो प्लास्टिक क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक बन के जाड़ भी रूट्स के साथ वो प्लास्टिक अब्जॉर्ब करके आपका खाना भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। बट ये चीज बना हुआ मक्के से बना हुआ है, तो ये डिग्रेड नहीं होता है, ये 3 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल के शेल्फ लाइफ हम दिया है, उसके बाद में निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप जमीन ले लेगा और जाड़ का तंदुरुस्त खाना बना देगा, तो फ्रूट अच्छा बनेगा, वीड कम कर देगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, पानी कम यूज होगा। तो ये मल्च फिल्म का उपयोग है, तो मल्च फिल्म है, एग्रो बैग है, फ्लैग है, ये नोटबुक है, मैं बोल रहा हूँ आप अगर यूट्यूबर है, बेस्ट मैं बनना चाहता, कुछ तो हम जमीन के लिए, नेचर के लिए, थैंक्स बोला, हमारे को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत है, आप खुद इसको कैंपेन करिए कि स्कूल के बच्चे, करोड़ों लोग बच्चे बुक्स खरीदते हैं, एक एक आदमी 40 बुक भी खरीदता है, वो बुक्स का जो प्लास्टिक और पेपर यूज़ करता है, पेपर यूज़ कर दो, जाड़ काटना पड़ता है, कवर यूज़ कर दो, जमीन को वापस अंदर खाली प्लास्टिक ही लगता है, नहीं तो जलाना पड़ता है, जलाए तो कितना पोल्यूशन है, तो प्लास्टिक मना करके ये एंकरेज करो, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DRDO के साथ, और इज द ओनली कंपनी G20 का सस्टेनेबल पार्टनर एकोलास्टिक बना हुआ है। जी, 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 जी। तो उसी के लिए हम 20 कंट्रीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ एनीथिंग पॉसिबल फ्रॉम यूर साइड, कैंपेन इन ए सोशल कॉज टू स्प्रेड दिस, दैट दिस आर द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद एकोलास्टिक। एकोलास्टिक इवन फ्लिपकार्ट में है, अमेजोन में है, और हमारे वेबसाइट में भी है, ऑलमोस्ट ऑल ONDC में भी है। मोदी सरकार आपको पता है ONDM बोल के, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बोल के, अभी जो फ्लिपकार्ट रिप्लाट बोल के दूसरे कंट्री को अपना पैसा जा रहा है, हर कोई चूज ONDM से खरीदने का विचार कर रहा है, तो ONDM में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है, तो ONDM से भी हम खरीद सकते हैं। ये क्या, अपना पैसा, अपना दौलत, हमारा कमाई, हमारा मेहनत, हमारा खून, हमारा पसीना, इधर से इधर ही जाना चाहिए, दूसरे देश नहीं जाना है, हम उधर से मंगाना चाहिए, हम लोग मेहनत करके आज इतना दिमाग लगा के, रिसर्च करके, दूसरे को जाके हम दान दे रहे हैं और बेच ले रहे हैं हमारा दिमाग, हमारा कन ये इतना बड़ा भारत देश है, इतना लोग जो, अगर हम लोग दिया काम, हम काम करना बंद कर दिया, दुनिया पूरा अपना पैर के सामने रह जाएगा। सच बात है। सो आई एम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर स्पेस, रिक्वेस्टिंग यू टू फॉर कॉज ऑफ नेचर, कॉज ऑफ मिशन लाइफ ऑफ मोदी जी, वो जो कैंपेन कर रहा है, पानी कम यूज़ करो, बिजली कम यूज़ करो, झाड़ू मत काटो, पेपर मत काटो, पेपर को मत बनाओ झाड़ काट के, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक मना करें, सिंगल यूज़ का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन काफ़ी है, एक ही हमारा कहीं नहीं लेना, देयर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी कंपनीज, बट ये रिसर्च कंपनी है, हम लोग रिसर्च करते, कमर्शलाइज कम, रिसर्च ज़्यादा, तो जैसा रिसर्च का ये फ्लैग है, रिसर्च का ये नोटबुक है, ये मल्च फिल्म है, एक कैरी बैग है। कैरी बैग। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। कुल मिलाकर दोस्तों, मेरा देश, मेरी मिट्टी, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा स्वास्थ्य, मेरे लोग, कुल मिलाकर के हमें इन सब चीज़ों के लिए काम करना है। तो जब इतना प्यारा इनिशिएटिव ये लेके आए हैं, तो मैं इनको ये बधाई के पात्र हैं, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं, जगत जानता है उनको, मोदी जी ने हमारे देश, हमारी मिट्टी के लिए क्या किया है। तो कुल मिलाकर के हमें एक सपनों का भारत बनाना है, और वो हमें
सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री से बनाना है, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ही नहीं करनी है जिसमें कैंसर भी होता है और हजार साल तक खराब हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी से सब कुछ खराब रहता है। तो दोस्तों इसी के सर मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।